हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिव्या रैबिट फार्मिंग। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खरगोश को पालने में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनका उपयोग किया जाता है, जिन्हें जो है ग्रोथ बूस्टर के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो दवाई होता है वो होता है आपका टोटाविट। टोटाविट का इस्तेमाल जो है खरगोश को हीट में लाने के लिए और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होता है। इसका उपयोग जो है आपको दिन में एक बार करना होता है। इन्हें जो है आप इसे दाने और पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इससे जो है खरगोश हीट में आती है और क्रॉसिंग के लिए रेडी होती है। दूसरा जो दवाई होता है वो होता है ऑस्टोवेट। आप देख सकते हैं ऑस्टोवेट इस प्रकार का होता है। ऑस्टोवेट का इस्तेमाल जो है खरगोश जब बच्चे देने वाली होती है तो उसे पिलाया जाता है ताकि जो है उसका जो है दूध जो है ज़्यादा मात्रा में वो दे सके, ताकि जो है वो खरगोश के बच्चों को अच्छे से दूध पिला सकें। इसका इस्तेमाल जो है आपको खरगोश के बच्चे देने के 15 दिन पहले से ही करना है और इसको जो है आपको सुबह शाम पानी या फिर दाना में मिलाकर देना है। तीसरा जो दवाई होता है वो होता है लीवर टोन 52। इसका इस्तेमाल जो है आपको महीने में केवल 3 दिन करना है। लगातार 3 दिन आपको जो है खरगोश को पानी में मिलाकर देना है। इससे जो है उनका पाचन तंत्र सही रहता है और वो खाने को सही से पचाती है, तब पेचिस वेचिस की जो समस्या होती है वो नहीं आती है। चौथा जो दवाई होता है वो होता है विटामिन, जिसे बोलते हैं सोलेक्स एम। जो है दवाई खरगोश में विटामिन की मात्रा को पूरा करता है। इसको आपको लगातार 3 दिन महीने में एक बार जो है खरगोश को पिलाना रहता है। और लास्ट में जो है ये दवाई आती है जिसका नाम है हाईटेक। हाईटेक का इस्तेमाल जो है आपको महीने में 3 दिन करना है। 3 दिन जो है लगातार आपको खाली पेट खरगोश को जो है हाईटेक पिलाना रहता है। अगर खरगोश 2 से 3 किलो का है तो आप उसको 1 ml पिला सकते हैं और अगर खरगोश छोटा है तो उसे 0.5 ml देना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।